हेलो। राम हाँ स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत आरोग्य मंदिर की तरफ से और उत्सव इंस्टीट्यूट की तरफ से। हाँ स्टार्ट करूं। हो सारी गदाई आणि कॅमेरा हलू नका तुमचा, नाही तर इथे स्टॉप होऊन जात आहे व्हिडिओ तुमचा पूर्ण। ठीक आहे। अच्छा करते एक मिनट। कॅमेरा हिल रहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बस करो स्टार्ट। यस हरिओम। मी सारिका कुकरेजा आरोग्य मंदिर कडून। आज आपलं जे सेशन आहे ते सूर्य नमस्कार या विषयावर आहे, तर त्याबद्दल मी तुम्हाला पहिले थोडंफार सांगणार आहे। सूर्य नमस्कार कशा पद्धतीने आपण करणार आहोत ते, आणि कशा प्रकारे याचा सूर्य नमस्काराचा आपल्या शरीरावर फायदा होतो, या सगळ्या गोष्टी पहिले आपण ऐकून घेणार आहोत। आणि नंतर आपण सूर्य नमस्कार कसा करणार आहोत ते बघणार आहोत। ताठ बसायचे, स्ट्रेट बैठे, आंखें धीरे से बंद कर ले, स्ट्रेट बैठे, कमर गर्दन सीधी, हाथों की ध्यान मुद्रा, रिलैक्स होकर बैठे, संत श्वसन चालू रखे, प्रार्थना के लिए तैयार हो जाए। आज के सेशन की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। पहले दीर्घ सांस लेंगे, भ्रामरी रेचक करेंगे, उसके बाद प्रार्थना बोलेंगे। तैयार हो जाए। सहनावतु सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। हेलो करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु। मा विद्विषावहे। ॐ शांति शांति शांति। अरे डोळे उघडायचे आणि रिलॅक्स होऊन बसायचे। जस्ट जसं तुम्ही बसू शकता, जिस तरह से आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं उस तरह से आप बैठ जाए। अभी इसके सबसे पहले हम लोग सूर्य नमस्कार इसका अभ्यास किस तरह से किया जाता है ये देखने वाले हैं। तो आज का जो सूर्य नमस्कार है, इसे हमने जो अभ्यास लिया है वो औंधकर पद्धति का अभ्यास है। इसमें हम औंधकर पद्धति ये इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सूर्य नमस्कार एक सर्वांग सुंदर व्यायाम है। सूर्य नमस्कार ये सबको परिचित है। सूर्य नमस्कार सर्वांग सुंदर व्यायाम करके योग के कुछ आसन जोड़कर इसे हमने बनाया हुआ है। एक उसमें से ही कुछ आसन लेके उसकी चैन बनाकर इसको तैयार किया गया है सूर्य नमस्कार। इसमें थोड़ा बहुत श्वसन की प्रक्रियाएं भी है, स्वल्प प्रमाण में इसमें प्राणायाम की मात्रा भी है। स्वल्प प्रमाण में इसमें प्राणायाम की मात्रा भी है। तो
यानी हमें प्राणायाम की मात्रा मतलब जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं उस वक्त हमें अंक दिए जाते हैं। तो अंकों में किस तरह से हमें इसे करना है, कौन से अंक में सांस लेनी है, कौन से अंक में सांस छोड़नी है, इसके लिए कहा गया है कि इसमें स्वल्प मात्रा में प्राणायाम लिया गया हुआ है। तो अभी ये जो सूर्य नमस्कार है ये सभी कर सकते हैं, पर इसमें क्या है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ये सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। तो बच्चों की एक एज रहती है कि उस एज में वो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, पर बहुत ही छोटे रहे और अगर सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो हमें उन्हें रुकाना नहीं है उसमें, उनको करते हुए आगे आगे करते हुए लेकर जाना है। अगर बड़े हैं जो जिनका एज ज्यादा है और चल फिर सकते हैं ठीक से, तो वो इंसान भी ये सूर्य नमस्कार अच्छे से कर सकता है। अभी सूर्य नमस्कार के फायदे शरीर पर क्या होते हैं कि रोज का जो हमारा नियमित रूटीन रहता है तो उसमें क्या होता है कि जो ये सूर्य नमस्कार है उसे शरीर लवचिक होता है, तो रोज का जो जीवन रहता है उसमें हम थोड़ी बॉडी स्टीफ हो जाती है, तो स्टीफ होने की वजह से हम कोई काम इसे चुस्ती फुर्ती से नहीं कर पाते हैं। पर अगर सूर्य नमस्कार का अभ्यास अगर हम करते हैं तो बॉडी में जो स्टीफनेस है वो कम होने में धीरे धीरे मदद होती है, यानी बॉडी की जो ताठरता है स्टीफनेस उससे कम होता है, बॉडी हमारी लवचिक बनने के लिए इसमें मदद होती है। सूर्य नमस्कार जो है वो आप सूर्य देव की उपासना उसे भी आप कर सकते हैं। अगर सूर्य देव की उपासना आप कर रहे हो तो आप सूर्य नमस्कार भी उसमें जोड़ सकते हैं। तो और ये इसे इसमें मंत्रों का उच्चार भी किया गया है, तो जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसमें हम लोग पहले मंत्र से स्टार्ट करते हैं और सूर्य नमस्कार किया जाता है। इसे बीज मंत्र भी कहा गया है, उसमें बीज मंत्र ओम राम ह्रीम इस तरह से उच्चारण रहता है और इस तरह से हम लोग सूर्य नमस्कार की शुरुआत करते हैं। तो सूर्य नमस्कार जो है उसे जब हम करते हैं तो हर एक अंग में इसका अलग से इफेक्ट होता है। जैसे आप झुकते हो तो कमर में बेंड होकर नीचे झुकते हो पहले स्टेप में, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो कमर है कमर के जो निचला हिस्सा है वहां से आपको बेंड होना रहता है, तो कमर पे एक अच्छा इफेक्ट देता है वो। अगर ज्यादा सीवियर बैक पेन रहा तो आपको ये करना अलाउड नहीं है। अब उसके बाद आप हाथों पे आते हो तो आपके शोल्डर जो है अगर ज्यादा कमजोर रहे तो आपको ये नहीं करना है, थोड़ा बहुत हल्का तकलीफ है उसमें आपको तो उसमें मदद होगी कि आपके शोल्डर मजबूत होंगे। उसके बाद आप पूरी तरह से जब नीचे आते हो आप अपने हाथ माथा घुटने जब जमीन पे रखते हो तो अपना जो पेट है वो जमीन को नहीं लगना चाहिए, इस तरह से इसकी स्थिति रहती है, तो वो भी हम देखेंगे। तो जब भी माथा चेस्ट ये पोर्शन जमीन पर लगते हैं तो उनकी भी स्ट्रेंथ बढ़ने में मदद होती है। उसके बाद हमें जो पोर्शन है कमर का वो ऊपर उठाना रहता है, तो जब हम कमर का पोर्शन ऊपर उठाते हैं तो हम पूरी तरह से अपने पैरों और हाथों पे उसका वजन रहता है, तो उसके लिए भी ये बहुत इफेक्टिव है कि आप पर्वतासन माउंटेन पोज करते हैं। तो उसके बाद फिर से आपको नीचे आना है और पूर्व स्थिति में आना है। तो ये सूर्य नमस्कार जो है आज हम 10 अंकों में देखने वाले हैं। तो ये जो 10 अंकों का सूर्य नमस्कार है उसमें पहला दूसरा और तीसरा ये जो स्टेप्स है ये 8, 9 और 10 ये तीनों स्टेप सेम है, तो 6 आसनों का मिलके हमने ये सूर्य नमस्कार करना है, मतलब 6 आसन इसमें चैन की तरह जोड़े गए हैं और इसका अभ्यास हमने किया हुआ है इसमें। तो 6 आसनों को मिलके ये अभ्यास हमने इसमें किया गया है। सूर्य नमस्कार जब आप रथ सप्तमी रहती है तो रथ सप्तम के वक्त भी आप ये सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी आप कर सकते हो, सूर्य देव की उपासना है इसे मानकर आप ये अभ्यास कर सकते हो सूर्य नमस्कार का। अभी ये सूर्य नमस्कार किसे नहीं करना है, घुटनों का ज्यादा दर्द हो, कमर का ज्यादा दर्द हो, शोल्डर में ज्यादा कोई पेन हो तो आप ये नहीं कर सकते हो,
और स्पेशली जो हार्ट से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी तकलीफ है तो भी आप ये नहीं कर सकते हैं। मैं फिर से बता रही हूँ कि हार्ट से हृदय संबंधित कोई भी तकलीफ हो तो आप ये नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज आप सभी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको हर एक स्टेप जो है सूर्य नमस्कार की वो मैं आपको दिखा दूंगी, उसके बाद हर एक स्टेप को हम ज्वाइंट करने वाले हैं और ज्वाइंट करने के बाद पूरी तरह से वो चैन बन जाएगी 10 अंकों की और वो सूर्य नमस्कार आपका तैयार हो जाएगा। तो आपको जो भी कर रहे हो, जो भी नए हैं, तो अपने क्षमता के अनुसार आपको करना है इसे। तो आज का जो ये है सूर्य नमस्कार वो मैं हर एक स्टेप में आपको पहले दिखाऊंगी कि पहले में कौन सी स्टेप है, दूसरे में कौन सी स्टेप है, इस तरह से मैं आपको दिखाऊंगी और आपको ये करना है मेरे बाद में। पहले आप देख लीजिए कि किस तरह से हमें ये स्टेप्स करने हैं और उसे ज्वाइंट करके फिर हम ये कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे पहले दिखाने दीजिए, उसके बाद आपको करना है। तो उसके लिए पहले तैयार हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं दंड स्थिति में, यानी खड़े होके ये सूर्य नमस्कार हमें करना है। पहले आप देख लीजिए, उसके बाद सभी को करना है। ध्यान देंगे, ठीक। अभी इसके बाद हमें सबसे पहले क्या करना है कि इस तरह से खड़े हो जाना है, दोनों पैरों को मिलाना है, दोनों हाथों की इस तरह से नमस्कार स्थिति करनी है और सांस लेते हुए खड़े रहना है सिर्फ। तो एक में हमें इसी तरह से खड़े रहना है और एक में हमें दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाना है, एक और थोड़ा सा पीछे झुकना है अपने क्षमता के अनुसार, थोड़ा ये झुकना है, रिलैक्स। ये हो गई आपकी पहली स्टेप। अभी दूसरे स्टेप्स में आपको क्या करना है कि आपको कमर में से नीचे आना है सांस छोड़ते छोड़ते। तो पहले इसमें आप यहाँ पर इस तरह से किया है, दूसरे इसमें आप कमर में नीचे झुकते झुकते इस तरह से नीचे आ गए, यानी अपने जो हाथ है वो पैरों के पास रखे हैं। आप जो रोज आसन कर रहे हैं उसमें ये प्रक्रिया बताई गई है, उसी तरह से आपको ये करनी है। ये हो गई आपकी दूसरी स्टेप्स। अभी तीसरे स्टेप्स में जाते वक्त क्या करना है हमें कि जब हम तीसरे स्टेप्स में जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि थोड़े से घुटना इस तरह से फोल्ड करके दोनों हाथों को नीचे रख के पैरों के पास हमारा जो लेफ्ट पैर है उसे पीछे की ओर लेकर जाना है। इस तरह से पीछे लेकर जाए और अपना जो घुटना है उसे हमें पूरी तरह से जमीन पे लगाना है, घुटने को पूरी तरह से जमीन पे इस तरह से लगाना है और जो सामने का पैर रहेगा आपका वो इस तरह से मुड़ा हुआ रहेगा और दोनों हाथों के इस तरह से बीच में रहेगा वो दोनों हाथों के, और पीछे का पैर इस तरह से पीछे। ये रहेगी तीन की अवस्था। चार में आपको आपका दूसरा पैर यानी राइट पैर पीछे लेकर जाना है, इस तरह से कमर उठा के पीछे लेकर जाना। ये है ताट तीर की अवस्था। ज्यादा ऊपर नहीं आना है, एकदम ज्यादा नीचे भी नहीं जाना है। प्लांटिंग यानी जिस तरह से घसरगुंडी एक बोल सकते हैं आप, प्लांटिंग पोजीशन लेना है। पांच में आपको आपके घुटने माथा इस जमीन पे टिकाना है और अपना पेट ऊपर की तरह उठा के रखना है, इस तरह से माथा जमीन पर। उसके बाद वाला स्टेप्स है वो आपको शोल्डर ऊपर उठाने है, जो आप आसनों में करते हैं भुजंग आसन इस तरह से, और ऊपर देखना है। उसके बाद हमें कमर का जो हिस्सा है उसे ऊपर उठाना है, इस तरह से कमर का हिस्सा ऊपर उठाना है, पीछे आ जाना है, अपनी चिन अपने चेस्ट को लगाने की कोशिश करनी है और नजर नीचे की ओर नीचे देखना है, एड़ियों को नीचे लगाना है जमीन पर। अगर ना लगे कोई बात नहीं, जितने आपके पैर जा सकते हैं उतने एड़िया नीचे लेकर आने की कोशिश करें। उसके बाद आपका राइट पैर आगे लेकर आना है दोनों हाथों के बीच में, इस तरह से दोनों हाथों के बीच में आपको ये राइट पैर लाना है और आपके दोनों हाथ इस तरह से
यहाँ पर रहेंगे और पीछे का पैर सीधा रहेगा। उसके बाद में आपको अपना लेफ्ट पैर राइट पैर के बाजू में लेकर आना है इस तरह से, और धीरे धीरे कमर में सीधे हो जाना है। ये हो गया आपका सूर्य नमस्कार। तो अभी देखेंगे हम सूर्य नमस्कार किस तरह से कंप्लीट किया गया है। तो मैं अभी आपको पूरी तरह से एक बनाया हुआ सूर्य नमस्कार करके दिखाऊंगी, इसके बाद आपको करना है। तो एक सूर्य नमस्कार मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से हाथ जोड़े हुए, पैरों को मिलाया हुआ, दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाना है। ए धीरे धीरे कमर में नीचे झुकना है अपनी क्षमता के अनुसार। दो हो सके उतना नीचे आना है, कम आते हैं तो भी कोई बात नहीं। ये हो गया दो का स्टेप। अब यहाँ से अपना लेफ्ट पैर पीछे लेकर जाना है, तो थोड़े से घुटने मोड़ने हैं इस तरह से, और हमें पीछे अपना लेफ्ट पैर लेकर जाना है। तीन, पीछे के पैरों का घुटना जमीन पे लगा हुआ, दोनों हाथों के बीच में आपका राइट पैर। चार में आपको दूसरा पैर लेकर जाना है। चार, पांच में घुटने छाती माथा जमीन पे। पांच, पेट को ऊपर की तरफ उठाना है, यानी आपको कमर का पोर्शन ऊपर उठाना है, हिप पोर्शन ऊपर उठाना है। छह में भुजंगासन अवस्था, शोल्डर ऊपर उठाने हैं, हाथों की कोहनियां स्ट्रेट होने तक ऊपर आना है। छह, ऊपर की तरफ देखना है। सात में आपको कमर ऊपर उठानी है। सात, आठ में आपका राइट पैर आगे आएगा दोनों हाथों के बीच में, इस तरह से दोनों हाथों के बीच में आपका पैर आएगा। नौ में आपको आपका लेफ्ट पैर आगे लेकर आना है, सामने की ओर देखना है। नौ में आपका पीछे वाला पैर आगे आएगा राइट पैर के बाजू में। नौ, और कमर में सीधे हो जाना है। दस, ये हम लोग पूर्व स्थिति में आ गए, ठीक है। अभी यहाँ से हमें सबको सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना है। इसके लिए मैं अंक दूंगी और उसके बाद आपको ये सूर्य नमस्कार करना है। हम मंत्रों के साथ इसका अभ्यास करने वाले हैं, तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार आप ये सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। आपको ज्यादा घुटने में तकलीफ है, शोल्डर में नी पेन या बैक पेन ज्यादा सीवियर है, तो आप इसका अभ्यास नहीं कर सकते हैं। हृदय संबंधित कोई भी तकलीफ हो तो आप ये अभ्यास नहीं कर सकते, अदरवाइज आप सभी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें खड़े हो जाना है। खड़े हो जाएं। ठीक है, अभी आप कंफर्टेबली कर सकते हो, उस तरह से आपको ये अभ्यास करना है। आपके मैट ठीक तरह से होनी चाहिए, जिस फिसले आप इस तरह से नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान देना है। तो अभी सभी तैयार होंगे सूर्य नमस्कार के लिए। सबसे पहले हमें हाथ जोड़ के खड़ा रहना है, दोनों पैरों को मिलाया हुआ रखना है, और दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाना है। सांस लेते हुए ऊपर लेकर जाएं। एक, थोड़ा सा पीछे झुकना है। दो में सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे नीचे आना है। दो, दोनों हाथों को अपने पैरों के बाजू में इस तरह से रख देना है। हाथ ज्यादा आते हैं तो ज्यादा रखने हैं, कम आते हैं तो कम रखेंगे अपने अपने क्षमता के अनुसार। तीन में आपको अपना लेफ्ट पैर पीछे की ओर लेकर जाना है, और घुटनों को थोड़ा सा बेंड करके फिर आपको ये तीसरा स्टेप करना है। तो आपको आपका लेफ्ट पैर पीछे लेकर जाना है। तीन, घुटना अपना नीचे हो, दोनों हाथों के बीच में अपना राइट पैर हो। चार में आपको राइट पैर पीछे लेकर जाना है। चार, कमर ऊपर ज्यादा नहीं उठाए। पांच में आपके अष्टांग जमीन पर,
घुटने छाती माथा जमीन पर, कमर का पोर्शन ऊपर उठाए, हिप पोर्शन ऊपर उठाए, अपने पेट को जमीन पर लगने ना दे, अपने नाक को जमीन पर लगने ना दे, माथा जमीन पर रखा हुआ। छह में सांस लेते लेते ऊपर आना है आपको, शोल्डर ऊपर उठाने हैं, भुजंगासन की अवस्था। छह ऊपर आना है, सात में अपनी कमर ऊपर उठानी है, एड़िया नीचे लगाने की कोशिश करें, नजर अपनी नीचे की ओर, अपनी चिन अपने छाती को टच होती है, अपना राइट पैर दोनों पैरों के बीच लेकर आए, इस तरह से आपको राइट पैर को बीच में लेकर आना है। नौ में आपको दूसरा पैर लेकर आना है, नौ दस, सीधे होना है। अभी हम मंत्रों के साथ करेंगे, स्ट्रेट खड़े रहे। ओम राम मित्राय नमः, करना है एक हाथों को ऊपर लेकर जाए, दो कमर में नीचे झुकना है, तीन लेफ्ट पैर को पीछे लेकर जाए, दोनों हाथ अपने राइट पैर अपना दोनों हाथों के बीच में, चार में हमें दूसरा पैर पीछे की ओर लेकर जाना है, चार, पांच में हमें घुटने छाती माथा जमीन पर लगाना है, अपना हिप पोर्शन ऊपर उठाए, फोरहेड माथा जमीन पर, नाक जमीन पे नहीं लगे। छह में ऊपर उठाने हैं अपने शोल्डर, छह ऊपर की ओर देखना है, सात में हमें कमर ऊपर उठानी है, सात, राइट पैर आगे लेकर आए दोनों हाथों के बीच में, इस तरह से दोनों हाथों के बीच में राइट पैर, नौ में हमें दूसरा पैर राइट पैर के पास लेकर आना है, नौ दस, फिर से एक बार करना है इसका अभ्यास। ओम ह्रीम रवये नमः, हाथों को ऊपर लेकर जाए, सांस लेते हुए एक, सांस छोड़ते हुए दो, सांस लेते हुए तीन, लेफ्ट पैर अपना पीछे की ओर, राइट पैर पीछे लेकर आना है, चार, छाती माथा घुटने जमीन पर, पांच, सांस लेते हुए ऊपर उठना है, शोल्डर उठाने हैं, छह, माउंटेन पोज पर्वतासन का अभ्यास करना है इसके बाद, चार, राइट पैर दोनों हाथों के बीच में लेकर आए, नौ, दूसरा पैर लेकर आना है इस तरह से, कमर में सीधे हो जाए, दस, और एक बार करना है इसका अभ्यास। ओम रूम सूर्याय नमः, एक दो ओम, तीन चार, छह सात आठ नौ दस, ओम रूम सूर्याय नमः, एक दो तीन चार पांच छः सात
आठ नौ दस ओम रह पूछने नमः। फिर से करना है, एक सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, दो सांस लेते हुए लेफ्ट पैर पीछे, तीन। अभी चार में आपको सांस रोकनी है, चार सांस छोड़ते हुए नीचे आना है, पांच छाती माथा घुटने जमीन पे, छह में सांस लेते हुए ऊपर आना है, छह सात में आपको सांस रोकनी है, सात आठ में भी सांस रोकनी है, दोनों हाथों के बीच में पैर, दूसरा पैर आगे लेकर आए, नौ कमर में सीधे हो जाए सांस लेते लेते, दस रिलैक्स। और एक सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे, मंत्र हमारा पूरा रहेगा, पूर्ण मंत्र सूर्य नमस्कार का हम लोग बोलने वाले हैं। पैर हो जाए, पैरों को मिलाकर रखें, हाथों को इस तरह से जोड़कर रखें और पूर्ण मंत्र का अभ्यास करेंगे और सूर्य नमस्कार और एक करेंगे। ओम राम ह्रीम रूम रेम रोम रह पितृ रवि सूर्य भानु खगपूषण हिरण्य गर्भ मरीचे आदित्य सवितृ अर्क भास्करेभ्यो नमो नमः। ये हो गया हमारा पूर्ण मंत्र। तो अभी हम करेंगे सूर्य नमस्कार, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस। बस अपने अपने मैट पे आ जाए, सतरंजी पर आ जाए, बैठ जाए। बैठना है, सबको बैठना है और हमें पीठ के बल लेट जाना है। इसके बाद हम करेंगे शवासन। पीठ के बल लेट जाए, शवासन का अभ्यास करना है। किसी भी एक कोहनी को एक साइड से जाके पीठ के बल लेट जाए। दोनों पैरों में डिस्टेंस ले लें, दोनों हाथों को 6 से 8 इंच दूर रखें और गर्दन किसी भी एक ओर मोड़ दें, जिस तरफ आपको सुविधा हो उस तरफ गर्दन को मोड़ दें। एक दीर्घ सांस लें, एक दीर्घ सांस छोड़े, एक दीर्घ सांस ले, एक दीर्घ सांस छोड़े, एक दीर्घ सांस ले, एक दीर्घ सांस छोड़े, श्वसन संध चालू रखें। अभी अभी हमने सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया है, अच्छा खासा तनाव महसूस होता है उसमें शरीर पर, शरीर पर किसी हिस्से पर तनाव महसूस होता हो उसे मन की सहायता से जाके दूर करें। पूरा शरीर पूरी तरह से ढीला छोड़ दे, श्वसन संध चालू रखें, आंखें बंद करनी है, पूरा ध्यान जो अपनी बड़ी हुई सांस उस पर देना है, उसे धीरे धीरे शिथिल करना है।
किसी भी हिस्से पर तनाव महसूस होता हो, उसे मन की सहायता से दूर करें। सांस लेते हुए पेट बाहर की ओर, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर की ओर, इस क्रिया का अनुभव करें, उस ओर ध्यान दें। पूरा शरीर शिथिल कर लें, श्वसन संत चालू रखें, श्वसन पे कोई भी नियंत्रण नहीं रखना है। पूरा शरीर शिथिल कर ले अच्छी तरह से, उसके बाद हमें और भी प्रक्रियाओं का अभ्यास करना है। पूरा शरीर शिथिल होने के बाद अपना पूरा ध्यान अपनी सांस की ओर केंद्रित करें। रिलैक्स। शवासन छोड़ना है, पहले अपनी आंखें खोल दें और गर्दन सीधी कर लें। दोनों हाथों को नजदीक लेकर आए, दोनों पैरों को मिलाए और किसी भी एक और करवट ले कोहनी पर आए और उठकर बैठ जाएं। थैंक यू सो मच सारिका मैडम। अभी हम सारिका मैडम ने हमें सूर्य नमस्कार सिखाया इतने अच्छे तरीके से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे का सेशन स्टार्ट करेंगे। मैं स्वाति जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आगे का सेशन स्टार्ट करे। आवाज इतनी नहीं है स्वाति जी, आवाज इतनी नहीं है। नहीं अजून नहीं है ते। गुड मॉर्निंग सुप्रभात। अभी अभी आपने सूर्य नमस्कार के प्रक्रियाओं का अभ्यास किया, उसका हमारे पूरे बॉडी पे पूरे शरीर पे बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, बहुत अच्छी प्रक्रिया है सभी। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं श्वसन प्रकारों से। आज पहले हम जल श्वसन करेंगे, उसके बाद दीर्घ श्वसन करेंगे और अभी हम जो पिछले 4 दिन से कर रहे वो प्रक्रिया का अभ्यास करेंगे। ठीक है, अपना धनात्मक आसन ले लें कोई भी, या सादी मंडी डाल के बैठेंगे तो भी चलेगा। पीठ गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद रहे, हाथों की ध्यान मुद्रा ले लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, मन शांत, शरीर शिथिल। पहले दीर्घ सांस ले, दीर्घ सांस छोड़े, और एक बार दीर्घ सांस ले, दीर्घ सांस छोड़े। रिलैक्स। अभी हम जल श्वसन का अभ्यास करेंगे। जल श्वसन में हमें सांसों की गति बढ़ानी है। मैं आपको अंग दूंगी 1 और 2, 1 में सांस लेनी है, 2 में सांस छोड़नी है। धीरे धीरे अंगों की गति बढ़ती जाएगी, उसके हिसाब से आपको भी आपको श्वासों की गति बढ़ानी है और धीरे धीरे कम होती जाएगी, आपको वो धीरे धीरे गति कम करनी है। किसी को भी ऐसा लगे कि चक्कर आ रहा है या तकलीफ हो रही है तो किसी भी समय अपना ये प्रक्रिया रोक सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी करते हैं। मैं आपको अंग दूंगी, आपको उस प्रकार से 1 में सांस लेनी है, 2 में सांस छोड़नी है। जल श्वसन से हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे जो सांस नलिका है वो क्लीन होने के लिए उपयुक्त है ये।
फिर गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद रखें, एक में सांस ले, दो में सांस छोड़े, सांस ले छोड़े ले छोड़े, एक दो 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 संथ श्वसन। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखे, एक में सांस लेनी है, दो में सांस छोड़िए। किसी को भी थकान लगे, चक्कर जैसा हो, तो डरने की कोई बात नहीं, अपना नॉर्मल ब्रीदिंग चालू करें, चालू रखें। फिर एक बार यही प्रक्रिया दोहराएंगे हम लोग। पीठ गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद रखें, मन शांत, शरीर शिथिल, पूरा ध्यान श्वसन की ओर। एक में सांस ले, दो में सांस छोड़े, सांस ले छोड़े, एक दो 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 संथ श्वसन। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें, आंखें बंद ही रखें। इसके बाद हम दीर्घ श्वसन का अभ्यास करना है। एक बार सुनिए वो कैसे करना है। हमें चार अंकों में सांस लेनी है, चार अंकों में छोड़िए, यानी कि मैं एक दो तीन चार ऐसे बोलती रहूंगी। आपको एक से सांस लेना जो शुरू करना है, चार तक धीरे धीरे से लेना है। एकदम से ऐसा ना ले तो आपका एक और दो में ही सांस पूरा हो जाएगा। आपको धीरे धीरे से सांस लेते लेते चार अंकों तक उसे खींचना है। से धीरे धीरे करें और सांस छोड़ते वक्त भी एकदम से ऐसा ना छोड़े। हमें धीरे धीरे सांस छोड़नी है, हमारा स्पीड कम करते हुए हमें सांस छोड़नी है चार अंकों में। एक में सांस छोड़ना स्टार्ट करेंगे, चार तक आपको सांस छोड़ते रहना है। आप अगर वो धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे, तो आपका वो पूरा समय आप कवर कर पाएंगे। तो चलिए सभी करते हैं, हमारे कॉन्सेंट्रेशन के लिए बहुत उपयुक्त है ये दीर्घ श्वसन। पीठ गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद रखें, मन शांत, शरीर शिथिल, सांस ले, दो तीन चार सांस छोड़े, दो तीन चार सांस ले, दो तीन चार सांस छोड़े, दो तीन चार सांस ले, दो तीन चार सांस छोड़े, दो तीन चार। रिलैक्स, संथ श्वसन। इसमें एक अंक नहीं दिया गया ताकि एक अंक की जगह पे मैं सांस ले बोल रही हूँ और सांस छोड़ बोल रही हूँ, ठीक है। फिर एक बार करते हैं यही प्रक्रिया। पेट गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद रखें, शुरू करते हैं। सांस ले, दो तीन चार सांस छोड़े, दो तीन चार सांस ले, दो तीन चार सांस छोड़े, दो तीन चार सांस ले, दो तीन चार सांस छोड़े, दो तीन चार सांस ले, दो तीन चार सांस छोड़े, दो तीन चार सांस ले, दो तीन चार सांस छोड़े, दो तीन चार सांस ले, दो तीन चार सांस छोड़े, दो तीन चार। अंतिम आवर्तन
सांस ले दो तीन चार, सांस छोड़े दो तीन चार, संथ श्वसन। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखे, आंखें बंद रखे। इसके बाद हमें कपालभाति का अभ्यास करना है। जिन्हें भी हाई बीपी हो वो ना करें, बाकी सभी कर सकते हैं। चक्कर आने की समस्या हो वो भी ना करें। चलिए शुरू करते हैं। पीठ गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद रखें। एक दीर्घ सांस लेनी है, दीर्घ सांस छोड़नी है, उसके बाद नॉर्मल सांस लेनी है और पेट को स्ट्रोक देते हुए हमें सांस छोड़नी है। सांस लेने के समय वो अपने आप हो जाएगा, सांस छोड़ने के समय आपको जोर से सांस बाहर छोड़नी है और पेट को अंदर की तरफ खींचना है। शुरू करते हैं। एक दीर्घ सांस ले, दीर्घ सांस छोड़े, एक नॉर्मल सांस ले, कपालभाति शुरू। हर कोई अपने क्षमता अनुसार करें, ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 स्ट्रोक तक जाने का प्रयत्न करें। इसके पहले भी थकान लगे तो रुक जाएं। संथ श्वसन चालू रखें, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। यही प्रक्रिया फिर एक बार दोहराएंगे। एक दीर्घ सांस ले, एक दीर्घ सांस छोड़े, एक नॉर्मल सांस ले, कपालभाति शुरू। संथ श्वसन, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें, सांसों को नॉर्मलाइज होने दीजिए। संथ श्वसन चालू रखें, शरीर शिथिल रखें, पीठ गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद ही रखें। हमें और एक आवर्तन करना है। एक दीर्घ सांस ले, एक दीर्घ सांस छोड़े, एक नॉर्मल सांस ले, कपालभाति शुरू। श्वसन, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें, श्वास को नॉर्मलाइज होने दीजिए, सांसों को नॉर्मलाइज होने दीजिए। शरीर शिथिल रखें, एक अच्छा इफेक्ट मिलता है कपालभाति का, उसे अनुभव करें। एक शांति का अनुभव होता है, उसे अनुभव करें। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। इसके बाद हमें अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। इसके लिए तैयार हो जाएं। संथ श्वसन चालू रखें, अपने राइट हाथ की प्रणव मुद्रा ले ले। इस प्रकार से अनुलोम विलोम में हमें लेफ्ट से सांस लेनी है, राइट से छोड़नी है और राइट से लेनी है, लेफ्ट से छोड़नी है। इस प्रकार से हमारा एक आवर्तन अनुलोम विलोम का पूर्ण होता है। अनुलोम विलोम अपने पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत उपयुक्त है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बनने में इसका बहुत उपयोग होता है। चलिए हम सभी करते हैं। राइट हाथ की प्रणव मुद्रा ले लें,
राइट नासिका बंद करें, लेफ्ट से सांस ले, राइट से सांस छोड़े, राइट से सांस ले, लेफ्ट से सांस छोड़े, लेफ्ट से सांस ले, राइट से सांस छोड़े, राइट से सांस ले, लेफ्ट से सांस छोड़े, लेफ्ट से सांस ले, राइट से सांस छोड़े, राइट से सांस ले, लेफ्ट से सांस छोड़े, लेफ्ट से सांस ले, राइट से सांस छोड़े, राइट से सांस ले, लेफ्ट से सांस छोड़े, लेफ्ट से सांस ले, राइट से सांस छोड़े, राइट से सांस ले, लेफ्ट से सांस छोड़े, लेफ्ट से सांस ले, राइट से सांस छोड़े, राइट से सांस ले, लेफ्ट से सांस छोड़े, अंतिम आवर्तन, लेफ्ट से सांस ले, राइट से सांस छोड़े, राइट से सांस ले, लेफ्ट से सांस छोड़े, संत श्वसन नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें, आंखें बंद रखें। इसके बाद हमें बस्ती का प्राणायाम का अभ्यास करना है, इसके लिए तैयार हो जाएं। बस्ती का प्राणायाम में हमें 20 बार जल श्वसन करना है। जल श्वसन करने के समय हमें पेट को पूरा फुलाना है और सांसों की गति बढ़ानी है। इसे हमें 20 बार जल श्वसन करना है और एक बार 20 बार जल श्वसन होने के बाद एक बार हमें सूर्य भेदन करना है। सूर्य भेदन यानी कि हमें राइट नॉस्ट्रल से सांस लेनी है और लेफ्ट से छोड़िए, ये हमें एक ही बार करना है। जिन्हें भी हाई बीपी की तकलीफ हो वो भस्त्रिका प्राणायाम न करें, बाकी सभी कर सकते हैं। 20 बार जल श्वसन और एक बार राइट से सांस लेके लेफ्ट से छोड़िए है, यानी कि सूर्य भेदन। हाथों की ध्यान मुद्रा ले ले, पीठ गर्दन सीधी रखे, आंखें बंद रखे, मन शांत शरीर शिथिल। शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। शुरू करें जल श्वसन। रिलैक्स, हमें अपने आप को ही अपना 20 बार जल श्वसन गिनना है और सूर्य भेदन यानी कि राइट नॉस्ट्रल से सांस लेके लेफ्ट से छोड़ने के टाइम राइट हाथ की प्रणव मुद्रा लेनी है। चलिए फिर एक आवर्तन करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करें। संत श्वसन नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें और एक बार करेंगे मस्तिष्क प्राणायाम। मस्तिष्क प्राणायाम शुरू करें। संत श्वसन नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें, रिलैक्स। इसके बाद हमें करना है शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास। हाई बीपी वाले ना करें, जिन्हें थ्रोट का इंफेक्शन हुआ है वो भी ना करें। शीतकारी में हमें एक ठंडाई का अनुभव होता है। जब हीट ज्यादा बढ़ती है तो ये प्राणायाम बहुत उपयुक्त है। जिन्हें भी कफ का ज्यादा तकलीफ हो वो भी ना करें, क्योंकि इसमें शरीर में शीतलता बढ़ती है। गर्मी के मौसम में ये बहुत उपयुक्त है। अभी हम थोड़ी देर ही करने वाले हैं, इसलिए चलिए करते हैं।
इस कार्य में हमें हमारी जो टंग है उसे ऊपर की साइड में फोल्ड करते हुए दोनों दांतों के बीच में दबाना है, इस प्रकार से। और ऐसे टंग को दबाने के बाद दोनों साइड में जो ओपनिंग होते हैं वहां से हमें आवाज करते हुए सांस लेनी है, इस प्रकार से। और सांस छोड़ने के समय मुंह को बंद करके नाकों से हमें सांस छोड़नी है धीरे धीरे। चलिए सभी करते हैं, हाथों की ध्यान मुद्रा, पीठ गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद रखें, मन शांत, शरीर शिथिल। शुरू करते हैं चित्तकारी प्राणायाम। हमारे टंग को, हमारी जीवा को ऊपर की साइड से फोल्ड करें और दोनों दांतों के बीच में दबाएं। दोनों साइड में जो ओपनिंग होते हैं इस प्रकार करने के बाद वहां से सांस लेनी है और सांस मुंह को बंद करके नाक से छोड़नी है। ये हम 5 बार करेंगे, हर कोई अपने आप गिने और 5 बार करने के बाद रुक जाए। चलिए सभी करते हैं, शुरू करते हैं चित्तकारी प्राणायाम। श्वसन, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें, संथ श्वसन चालू रखें, संथ श्वसन चालू रखें। पीठ गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद ही रखें, अपना पूरा ध्यान श्वसन की ओर केंद्रित करें। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, उसे अनुभव करें। हमारे पेट की हालचाल जो होती है सांस लेने के समय और सांस बाहर छोड़ने के समय, उसके ऊपर ध्यान दें। पूरा ध्यान सांसों की ओर केंद्रित करें, हमारी सांसों को अनुभव करें। थोड़ी देर हम हमारी सांसों को अनुभव करेंगे। सांसों पे किसी भी प्रकार का कंट्रोल न करें, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें और सांसों के ऊपर ध्यान दें। रिलैक्स, पीठ गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद रखें, मन शांत, शरीर शिथिल। पूरी एकाग्रता से करेंगे वर्ग की अंतिम प्रार्थना। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अपने हाथों को बंद आंखों पे रखें, धीरे से आंखें खोल दें। 20 तारीख को सुबह 9 से 10 हमारा जूम पे और एफबी लाइव पे योगा और एजुकेशन, ये टॉपिक के सेशन है। तो हमारा जो अगला जनरेशन है, यंग जनरेशन, उसके लिए बहुत उपयुक्त है ये। और अपने बच्चों के लिए, अपने जो है उनके लिए, बच्चों के लिए सभी आसन ये सेशन जरूर अटेंड करें, बहुत उपयुक्त है। हमारा नेक्स्ट जनरेशन हमें सशक्त बनाना है, सुदृढ़ बनाना है फिजिकली और मेंटली, हमें वो स्ट्रॉन्ग चाहिए। इसके लिए ये सेशन जरूर सभी अटेंड करें और आपके साथ और लोगों को भी हमें ज्वाइन होने के लिए बोलें। चलिए एक बार दीर्घ सांस लेते हैं, दीर्घ सांस छोड़ते हैं।
नमस्कार, हरिओम, थैंक यू, धन्यवाद। कल इसी समय हम फिर एक बार मिलेंगे। थैंक यू।